हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा ईमेल में क्वेश्चन आ रहा था कि टॉय ड्रोन, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि टॉय ड्रोन जो है उसको हम लेके ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ, जो एक्चुअल में रूल्स हैं पूरा रूल्स के हिसाब से आपको बताऊँगा, कुछ इधर उधर का नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल रूल के हिसाब से, जो जिससे आपको भी मदद मिले कि क्या रूल्स कहते हैं। तो बने रहिए पूरा आंसर जानने के लिए इस क्वेश्चन का। तो अगर नए हैं इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस चैनल पे हम ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ड्रोन रूल्स एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रोन्स। तो सबसे पहले बता देता हूँ, टॉय ड्रोन या नैनो ड्रोन किसको कहा जाता है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं मालूम, जिसको नहीं पता है, तो उसके लिए बता देता हूँ, टॉय ड्रोन वो है या नैनो ड्रोन वो है जिसका वेट 250 ग्राम से कम है। 250 ग्राम से कम वेट वाले ड्रोन को नैनो ड्रोन कहा गया है, नैनो कैटेगरी है। इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप मेरा ब्लॉग भी दे सकते हैं www.dronetechdoctor.com, और प्लेलिस्ट में वीडियोस भी दे रखे हैं ड्रोन रेगुलेशंस की, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं टॉय ड्रोन की या नैनो ड्रोन की। पहले आपको बता दूँ बेस्ट कौन सा है। बेस्ट है टेलो, DJI Razzie का टेलो और मीटू ज़ियोमी का, दोनों ही अच्छे बेहतरीन हैं, टॉय ड्रोन की कैटेगरी में आते हैं 250 ग्राम से क्रम में। तो इनका बेसिकली बिगनर ड्रोन भी कहा जाता है इनको, और नैनो ड्रोन में कहा जाता है इसको। इनका प्राइस भी 7-8 हज़ार से लेके 10-12 हज़ार के बीच में इंडिया में आपको मिलते हैं। तो इस पर कोई रेगुलेशन लागू नहीं होती, जो अपने रूल्स बनाए गए हैं उसको उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, UI नंबर लेना, ये सारा कुछ इसमें आपको नहीं चाहिए। नैनो ड्रोन में 250 ग्राम से अगर नीचे है तो आप इसको फ्रीली उड़ा सकते हैं, कोई परमिशन नहीं चाहिए इसको उड़ाने के लिए। तो अब बेसिकली क्वेश्चन सबके मन में ये आता है कि इसके साथ ट्रैवल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ट्रैवल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि रेगुलेशन में अभी तक डोमेस्टिक ट्रैवल का या बाहर से अगर आप आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं मेंशन नहीं है कि आप अपने साथ ड्रोन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो हो क्या रहा है, तो बेसिकली अगर आप बाहर से ड्रोन ऑर्डर करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, जो मैं वैसे मना करता हूँ, करते हैं कई लोग फिर भी, तो मेरे पास रोज़ ईमेल्स आती हैं कि हमारा कन्फिस्टिकेट हो गया। कन्फिस्टिकेशन का मेन कारण यही है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अभी भी एयरपोर्ट्स पे ड्रोन नाम की चीज़ बैंड है। तो यही मेन प्रॉब्लम है, इसको उन्होंने अभी सॉल्व नहीं किया। जो सेकंड पार्ट आएगा सीरीज़ का अप्रूव होके रेगुलेशंस का, उसमें शायद ये क्लियर हो जाए। तो अगर आप बने रहे हमारे चैनल के साथ तो मैं अपडेट करूँगा कब ये होगा। फिलहाल अभी आप बाय एयर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इवन आपके पास अगर नैनो ड्रोन क्यों ना हो, टॉय ड्रोन ही क्यों ना हो, तब भी आप उसके साथ सेफली 100% बेफिक्र होकर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो किया क्या जाए, लोग जैसे कर रहे हैं मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक सजेशन है, मैं वैसे सबको सजेस्ट करता हूँ कि डिसमेंटल योर ड्रोन। डिसमेंटल का मतलब है बैटरी अलग कर दीजिए, प्रोपेलर्स अलग कर दीजिए, अलग अलग आपके जो लगेज है, हैंड बैग है, उसमें डिवाइड कर दीजिए ड्रोन को, छोटे वाला जो भी है। तो उसके बाद आप 90% सेफ हो जाएंगे, 10% फिर भी रिस्क है, बी कॉन्फिडेंट, बट 10% फिर भी रिस्क रहता है। और नंबर टू टिप आपको ये देता हूँ कि ड्रोन नाम का यूज़ मत करें, क्योंकि जो नैनो कैटेगरी का है वो एक तरह से टॉय ही है। तो इन केस अगर कोई पूछ भी लेता है, या इन केस आप कहीं उड़ा रहे हैं तब कोई पूछ लेता है, तो हमेशा बोलें कि ये टॉय है, तो जस्ट फॉर फन हम इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डोंट कॉल इट ड्रोन। तो एक टिप है मेरी पर्सनल, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जाते हैं तो वैसे ही करते हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस आपको बताऊं तो कन्फिस्टिकेट हो सकता है अगर आपके पास एयरपोर्ट पे ड्रोन है तो, चाहे वो लोकल आप ट्रैवल मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं विद इन इंडिया, चाहे आप बाहर से आ रहे हैं। तो मेरी पर्सनल सजेशन यही होगा कि अगर आपने ड्रोन लेके कहीं जाना है विद इन इंडिया तो ट्राई कीजिए ट्रेन्स को, या अपना प्राइवेट व्हीकल गाड़ी वगैरह ले जाइए, दैट इज सेफेस्ट, या बसेस पे जाइए। एयर पे चेकिंग के दौरान अगर आपका पकड़ा गया ड्रोन एंड द न्यू इंडिया इट इज ड्रोन, देन इट कैन बी इट विल बी कॉन्फिस्टिकेटेड बाय द ऑफिशियल्स, कस्टम ऑफिशियल्स। और उसके बाद लोग पूछेंगे कि अगर उन्होंने ले लिया तो उसको छुड़ाने का क्या तरीका है। उसको छुड़ाने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि आपको परमिशन क्लियरेंस लेनी पड़ेगी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से, जो कि अभी बीटा स्टेज में है, जो कि अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। तो उस पर जब ऑपरेशनल होगा तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे परमिशंस के लिए, क्लियरेंस के लिए।
और जब वो होगा तब आप क्लियरेंस लेंगे, फिर क्लियरेंस में लाइन में लगेंगे, और जब वो ठप्पे लगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपके पास आएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी खुद ही ऑपरेशनल नहीं हुआ। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो यही सवाल काफ़ी लोगों के पास आ रहा था कि हम टॉय ड्रोन लेके ट्रैवल कर सकते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे। तो लीगल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, यू कैन नॉट ट्रैवल लीगली विद योर टॉय ड्रोन इन विद इन इंडिया वाया डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। येस देर आर सोल्यूशंस जो मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट इज डिसमेंटल इट, एंड सेकेंड इज डोंट कॉल इट एज अ ड्रोन, इट जस्ट अ टॉय बिकॉज इट इज अ नैनो कैटेगरी ड्रोन। तो प्लीज़ ये मैंने दो चीज़ें आपको बता दी हैं। काफ़ी लोग ये इंग्लिश के लिए इसलिए बोलता हूँ कि काफ़ी दूसरी लैंग्वेज जिनको हिंदी नहीं पता, साउथ से लोग देखते हैं मेरे चैनल, तो उनके लिए मैं ईजी हो जाए। तो हिंदी में भी भाइयों के लिए बता देता हूँ समरी, एक छोटा सा दो लाइन में बोलने वाला हूँ कि आप टॉय ड्रोन के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं लीगली। करना चाहते हैं तो उसको अलग अलग तरह टुकड़ों में लेके जाइए, और कॉन्फिडेंट रहिए, और कभी भी उसको ड्रोन मत कहिए, टॉय बोलिए, क्योंकि वो टॉय ही है एक तरह से। तो होप आपको पसंद आएगी इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगी आई विल अपडेट अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो प्लीज़ शेयर कीजिए दिस इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोगों की क्वेरी है इसके ऊपर। और रिटर्न में आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन ड्रोन्स पे चाहिए तो मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, लिंक दिया हुआ है, सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक मैंने दिए हुए हैं, हर एक वीडियो में होते हैं। प्लीज़ फॉलो मी, थैंक यू, कीप रॉकिंग, जय माता दी।